गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए है, फिजिक्स में चैप्टर 5 की शुरुआत कर रहे हैं आज, जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें खास करके हमको मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन, इन सब बातों का तो बेसिकली पता होना ही चाहिए, जो कि क्लास 10 में भी थोड़ा हम लोग देखते आते हैं। लेकिन कुछ कंफ्यूजन इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हमें पता करना है तो फिर हम वो कैसे निकालें, या मैग्नेटिक जो फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस पर लगने वाले जो फोर्स होता है तो उस फोर्स को हम कैसे निकालें। तो कुछ एक लॉज जो कि आपने सुने हुए होंगे, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड लॉ, या मैक्सवेल स्क्रू रूल, या राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल, तो इनके कहां कैसे यूज है उसके बारे में धीरे धीरे करके आपको डिस्कशन में जो है हम कुछ ना कुछ बताना चाहेंगे, ताकि आपके ये कंफ्यूजन दूर। तो बेसिकली हम दो तरीके की पहले बात आपसे करेंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में हम किन रूल का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने में जिन रूल का इस्तेमाल करें उसके अलावा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स क्रिएट होता है, यानी उस फोर्स को निकालने में किन लॉज का इस्तेमाल करें। तो इसको आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में जिन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई जैसे कि कोई वायर है, ऐसी दशाओं में किन रूल्स का इस्तेमाल करें, और दूसरी हो सकती है कोई भी चीज जैसे कि एक सर्कल के टाइप में हो, सर्कुलर लूप के रूप में हो। आप इससे भी परिचित हैं, इस बात से भी परिचित हैं, तो यहां पे किस रूल का इस्तेमाल हो, तो ये दो अलग अलग तरीके की बातें हो जाएंगी यहाँ पे। तो पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, यानी किसी स्ट्रेट वायर के बारे में हम लोग बात करें, तो उसमें बेसिकली दो तीन तरीके हमारे पास है। एक तो क्लास 10 से आप पढ़ते आए हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ, जिसके बारे में आप जानते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड में थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन द सेंस जैसे कि किसी रूम में कॉर्नर पे अगर आप हैं तो आप देखते हैं कि जो तीनों जो साइड है जो वॉल की मिलती है वो एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, या आप थ्री डायमेंशन में एक्सिस पे जा सकते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसी सिचुएशन में आप रखें जो कि तीनों आपस में 90 बना रहे हो लेफ्ट हैंड में, तो उस दशा में हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी जो फोर फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है वो जिस डायरेक्शन में करेंट फ्लो कर रही है उसको बताती, और थम लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम दो और तीन और तरीकों की बात करेंगे। एक तो रहेगा राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, इसमें भी दो कैटेगरी है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 और राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में यूज करते हैं, और पाम रूल नंबर 2 जो होता है वो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को निकालने में यूज किया जाता है। तो राइट हैंड पाम रूल में भी नंबर 1 और नंबर 2 का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 क्या कहता है? पाम रूल नंबर 1 ये कहता है कि हम राइट हैंड के अपने पाम को इस तरीके से सिचुएशन में रखें जिसमें थंब को उस तरफ रखें जिधर में करंट फ्लो हो रही है। सपोज दैट कि मान लें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो अगर हम थंब को ऐसे रखें उस डायरेक्शन में और जो फिंगर है हमारी, जो इनकी टिप है, टिप को उस पॉइंट की तरफ रखें, सपोज कर लें कि इस पॉइंट पी पे, हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, और एक वायर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में को फ्लो कर रही है, तो हमें जैसे इस डायरेक्शन का इन द सेंस ऐसे हम ले रहे हैं, और उस पॉइंट का सेंस टिप को उधर करेंगे फिंगर्स की, तो देखें यानी ये इस सेंस में हमने ले लिया। अब समझ सकते हैं बोर्ड के इस सिचुएशन में हम आ सकते हैं ऐसे, और पॉइंट को हम उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ रख रहे हैं,
इस सिचुएशन में जो पाम का जो है ये सेंटर पॉइंट, अगर ये ओपन हिस्सा ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड बोलेंगे, यानी ये पाम परपेंडिकुलरली ओपन की, ओपन वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड बोली जाएगी। और अगर यही करंट की डायरेक्शन अगर हम बदल दें, देखें अगर मान लीजिए वो ना होती करंट की डायरेक्शन, अगर ये होती पॉइंट अभी भी वही था, एट द सेम पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट नाउ इन द सेकेंड वे वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट हियर। तो अब देखें हमको हम ऐसे तो नहीं रख सकते, तो करंट की डायरेक्शन बदल गई है, इसका मतलब हमको ऐसे ना रखे, हमें ऐसे रखना पड़ेगा, और फिंगर की टिप अभी भी उधर ही रखनी है उसी पॉइंट की तरफ। तो देखें अब आप समझे कि पहले ये सिचुएशन हमने दिखाई थी, और डायरेक्शन बदलने का मतलब है हमने इसके बजाय इस डायरेक्शन पे आना पड़ेगा, पॉइंट पी की तरफ ही फिंगर्स को अभी भी रखे हुए हैं, तो देखें पाम का हिस्सा ऊपर की तरफ नहीं रह गया, ये डाउनवर्ड चला गया। इसका मतलब आप इस तरीके से कह सकते हो कि अगर हम थंब को उस डायरेक्शन में रखें जिधर करंट फ्लो हो रही हो, फिंगर की टिप उस पॉइंट की तरफ हो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, तो उस दशा में पाम की जो सिचुएशन होगी, इफ इट इज द ओपन पार्ट इन द अपवर्ड, तो हम कहेंगे कि ये ऊपर की डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये नीचे की तरफ में आ गया है कब आएगा नीचे की तरफ, अगर करंट की डायरेक्शन बदल दी तो कहेंगे डाउनवर्ड की मैग्नेटिक फील्ड है, अपवर्ड डाउनवर्ड भी चलेगा, ऐसे आउटवर्ड और इनवर्ड भी चलेगा, यानी ये कहेंगे कि बाहर की तरफ भी है, और अगर करंट की डायरेक्शन बदल दी तो वही क्या होगी, अंदर की तरफ भी होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड एंड इन अदर वर्ड्स ऑल्सो आप क्या कह सकते हैं आउटवर्ड एंड इनवर्ड ऑल्सो। तो इस तरीके में ये राइट हैंड पाम रूल बड़ा सुइटेबल है, और बहुत जगहों पे हमें इसके इस्तेमाल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में बड़ा सपोर्ट मिलता है। इसको हमने फिगर के थ्रू भी दिखाने की कोशिश की है, बस वही जो अभी समझा रहे थे, ये थंब ये करंट की डायरेक्शन और फिंगर की टिप्स उस पॉइंट की तरफ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो ये पाम का जो ऊपर का हिस्सा है वो जिधर हो तो अपवर्ड या डाउनवर्ड की मैग्नेटिक फील्ड आप ये बता पाएंगे। तो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टूवर्ड द पॉइंट पी एट विच डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, थर्ड वन इज द देन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी थंब उस डायरेक्शन में वो जिधर की करंट बह रही है जैसा कि अभी हमने बताया, दूसरा फिंगर की टिप उस पॉइंट की तरफ हो जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उस दशा में पाम की जो सिचुएशन बनेगी अपवर्ड, तो फिर हम कहेंगे कि ऊपर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट बदल देते तो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड है, या अगर हम आउटवर्ड या इनवर्ड की तरफ की बात कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ यानी आउटवर्ड जैसा, अंदर की तरफ यानी इनवर्ड जैसा बात कर सके, उस दशा में पाम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। तो ये राइट हैंड पाम रूल नंबर वन इस तरीके से आपके जहन में आ जाना चाहिए। सेकेंड वन इज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिसकी कल्पना हम लोग कर रहे हैं कि जिस वायर में करंट पास हो रही हो, लाइकवाइज दिस, इसमें मान लें कि करंट इसी डायरेक्शन में पास हो रही है, और अगर उसको इस दशा में जैसे कि आप पकड़े, यू आर गोइंग टू इमेजिन ओनली कि आपने उस तरीके में उसको फील करें कि आपने ऐसे पकड़ा, तो उस दशा में जिधर में करंट है थम अगर उसके डायरेक्शन में है, तो जिधर फिंगर सर्कल कर रही है यानी घूम रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की डायरेक्शन इधर में फिंगर इन सर्कल हो रही है वो हो गई, यानी एंटी क्लॉक अगर इन सर्कल हो रही है, या फिर क्लॉक ऐसे कह सके। लेकिन जो ये जो टिप है, ये फिंगर की जो टिप है, अगर ये अंदर की तरफ जा रही है तो इनवर्ड, जैसे कि इसी दशा में देखें कि हमने करंट की डायरेक्शन अपवर्ड दिखाई है जैसे कि ये, तो इसको बोर्ड वर्टिकली रखा हुआ है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप कल्पना करें कि यानी ये ऐसे हो गया,
देखें थंब की सिचुएशन ये हो, ठीक है। अब ऐसी दशा में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो फिंगर की जो टिप है वो किधर की तरफ है, देखें नीचे की तरफ, देखें फिंगर की टिप नीचे की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की हो गई, डाउनवर्ड की हो गई। लेकिन अगर यही करंट की डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते उधर के बजाय अगर ये कर देते, तो अब आप समझ सकते हैं आसानी से थंब को कहां ले जाना पड़ता, नीचे की तरफ, और फिंगर की टिप जो नीचे थी अब फिंगर की टिप किधर को हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई। तो इस तरीके से ये जो थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल, उसका इस्तेमाल भी कर लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने। तो अब क्लियर हो गया होगा, इधर इफ वी ग्रिप द वायर, स्ट्रेट वायर बाय अवर राइट हैंड एंड इफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, देन द फिंगर इन सर्किल दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द टिप ऑफ द फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेदर इट इज डाउनवर्ड और इट इज अपवर्ड। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको बताना चाहेंगे कि फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड और अपवर्ड को सिंबलाइज करने का तरीका ये दिया गया है कि अगर डाउनवर्ड की फील्ड है यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ की है, नीचे की तरफ की है ऐसे, तो वहां पे ये डॉट लगा के इसको शो किया, और यहां अपवर्ड की मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी आप ऐसे समझ लें कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है यानी वहां पे ये डॉट नहीं, वहां पे क्रॉस लगा के हम लोग शो करते हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की आ रही है वहां पे हम लोग डॉट लगा के इसको शो करते हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को अगर कहीं आप लिखा हुआ पाते हैं डॉट या क्रॉस, तो आप क्लियर रखें कि डॉट का मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की आ रही है और क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड की जा रही है। थर्ड लॉ भी सेकेंड लॉ से थोड़ा बहुत रिजेंबल करता हुआ ही होता है, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड में अगर हम स्क्रू ड्राइवर को पकड़े, पेंचकस इसको कह सकते हैं, और स्क्रू को चलाने की डायरेक्शन में जैसे कसने के लिए उसको घुमाएं, तो ये तो घुमाएंगे नहीं, उल्टा तो घुमाएंगे नहीं, वो तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो अगर हम पेच को कसने की दिशा में उसको घुमाएं तो पेच आगे बढ़ेगा, अगर हम उसको कसना चाहते हैं वो अंदर की तरफ जाए, तो अगर वो जो पेच के जो चलने की डायरेक्शन है वो करंट की हो, जैसे कि यही दिखाई गई है, और जो हमारा जो ग्रिप है जो हाथ का वो जान लो कि क्लॉकवाइज हो, तो उस दशा में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो है वो हम कह सकते हैं कि वो डाउनवर्ड की हो जाएगी जाके, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ स्क्रू रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये इस तरीके से समझ लें, यानी पेच जो बढ़ा रहे हैं वो करंट की डायरेक्शन बता रहा है, थंब हमारा जिधर को रोटेट हो रहा है, थंब हमारा इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, ये तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको निकालनी है तो इन रूल्स पे जा सकते हैं। अगले सेशन में हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शनों को निकालने में किन लॉस का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।